उज्जैन की घास मंडी में रहने वाली दुल्हन अपनी बारात के परमिशन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रही है। सोनम शिंदे का विवाह 11 मई को राजस्थान के युवक से शादी होना है, लेकिन राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही राजस्थान से आने वाली बारात को परमिशन नहीं दे रही है। वहीं उज्जैन जिला प्रशासन ने शादी की परमिशन दे रखी है, लेकिन राजस्थान से बारात नहीं पहुंचेगी तो शादी कैसे होगी। इसी से चिंतित दुल्हन उज्जैन जिला कलेक्टर कार्यालय से गुहार लगाने पहुंची, लेकिन अभी उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की बात कहते हुए टाल दिया गया। वहीं एक दूसरा परिवार विदिशा बारात लेकर जाने की परमिशन के लिए पहुंचा। उन्होंने सिर्फ 5 लोगों की बारात में जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन अभी तक इन्हें भी परमिशन नहीं मिली है। पूरे देश भर में लॉकडाउन के चलते सारी परमिशनें निरस्त कर दी गई है। शादी समारोह हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई भी प्रशासनिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रमों की जो परमिशन थी वो निरस्त कर दी गई है। कई ऐसे शादी समारोह वाले हैं जो आज मेला कार्यालय पर पहुँचे, कलेक्टर साहब से मिलने पहुँचे। इन्होंने कई बार ऑनलाइन परमिशन भी मांगी, लेकिन अब तक कोई परमिशन नहीं मिलने के कारण आज वो यहाँ खुद पहुँचे हैं कलेक्टर साहब से बात करने के लिए। क्या हुआ, आज किस तरह से पहुँचे, अभी तक परमिशन नहीं? सर, मेरे को परमिशन तो शादी की मिल गई थी। मेरी बारात राजस्थान से आ रही है और बॉर्डर लॉक होने के कारण उन्हें यहाँ आने की परमिशन चाहिए। अब वहाँ पर राजस्थान में यहाँ की परमिशन मांग रहे हैं कि आप पहले हमें वहाँ से परमिशन करके दो, तब हम आपको यहाँ से करके देंगे। और यहाँ के बोल रहे हैं वहाँ के करके देंगे। अब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, करूँ तो क्या करूँ। वहाँ पर उनके सारे टेस्ट भी हो चुके हैं, जो भी COVID-19 के, वो सब नेगेटिव है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे। कितनी तारीख की शादी? 11 तारीख को वहाँ से बारात आएगी और दिन भर हमारे जो भी शादी का प्रोग्राम हो के नाइट में विदाई हो जाएगी। आपने ऑनलाइन भी आवेदन किया, कितनी बार कर चुके? मिनिमम में 2-4 बार आवेदन कर चुकी हूँ, मैं भी कर चुकी हूँ। यहाँ का मैंने उनको दे दिया है MP का, आप वहाँ से ट्राई करो, वहाँ से भी नहीं हो पा रहा है। मैंने उनको कॉल भी करा, मुझे सर ने नंबर भी दिए हैं कि आप इनसे बोल दीजिए, ये फॉर्म फिलअप करवा देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे। फिर आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या अभी तक मिल पाए कलेक्टर? अभी नहीं मिल पाई हूँ मैं। आज इनकी माता पूजन थी और 2 दिन बाद ही इनकी शादी होने वाली है। राजस्थान बॉर्डर से इनकी बारात आएगी, लेकिन वहाँ से तो उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है वो अभी तक इनको परमिशन नहीं दे पाया है। और भी ऐसे कई लोग हैं जो शादी समारोह से जुड़े हुए हैं, इनकी भी शादी बारात जाने वाली है। क्या भैया बताए, किस तरह की परमिशन मांगी? सर, 23 तारीख की बारात जाएगी दीपक सोलंकी की, 5 जने की परमिशन चाहिए थी, ब्यावरा पचोर कर वहाँ जाएंगे। सर, कब से परमिशन मांग रहे हैं आप? 3-4 दिन हो गए सर अभी हमारे। अभी तक मिली नहीं? मिली सर, ऑनलाइन फार्म भरते, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। कई ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने शादी समारोह की परमिशन भी मांगी है, लेकिन अब तक उनको परमिशन नहीं मिली है। ऐसे में कई लोग परेशान हो रहे हैं। आज देखना होगा कलेक्टर साहब इन लोगों को परमिशन देते हैं या नहीं, क्या या इसी तरह ये शादी निरस्त होती है या शादी हो पाएगी। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट।